नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं पहले ही वादा कर चुका था कि एक एपिसोड लेकर के आऊँगा जो कि मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाला था, उसी वीडियो को लेकर के मैं आया हूँ और ये फर्स्ट एपिसोड होगा। अगर इसमें कोई त्रुटि रहे, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, और साथ ही साथ जो गलती हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके समय से। इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। इस वीडियो में कुछ खास लेकर के आया हूँ आपको, कुछ इस तरीके का है इसमें कंटेंट कि मैं आपको कुछ प्राचीन काल के कुछ धरोहर और रोचक जानकारी के आप जानते हैं तथ्य के बारे में, कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊंगा जो आपको शायद पता ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखें तो सबसे पहले एक फैक्ट निकल के आता है, फैक्ट या कहें ऐतिहासिक धरोहर के रूप में निकल के आता है। ये आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर फिगर शो हो रहा होगा, पिक्चर, ये पिक्चर आप गेस कर सकते हैं ये क्या है। ये तीन चार पिक्चर मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ये कलिंजर दुर्ग है, जो देख सकते हैं आप, कलिंजर दुर्ग है। कलिंजर दुर्ग क्या है तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। देख सकते हैं आप, ये कलिंजर दुर्ग देख सकते हैं। कलिंजर दुर्ग में आपको मैं बताऊंगा कि ये कलिंजर दुर्ग भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले स्थित दुर्ग है। जो ये भारतीय राज्य का उत्तर प्रदेश बांदा जिला स्थित एक दुर्ग है, यहाँ पर दुर्ग कहा जाता है इसको। बुंदेलखंड क्षेत्र के बिंध पर्वत पर स्थित यह दुर्ग विश्व धरोहर स्थल खजुराहो से 97 यानी 97.7 किलोमीटर दूर है। इसे भारत की सबसे विशाल और अपराज्य दुर्गों में गिना जाता रहा है। इस दुर्ग में कई प्राचीन मंदिर हैं, इनमें कई मंदिर तीसरी और पांचवी सदी गुप्त काल के हैं। यहाँ शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि सागर मंथन से निकलने वाला कालकूट यानी विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यही तपस्या कर उसकी ज्वाला को शांत की थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है कि इस अवसर पर जो कार्तिक पूर्णिमा होता है, उस अवसर पर यहाँ जो है कार्तिक मेला, यहाँ का जो कार्तिक मेला है, कार्तिकी मेला है, वहाँ प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव भी होता है वहाँ पे, देख सकते हैं। यहाँ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इसकी पहचान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मानी गई है। वर्तमान में यह भारतीय दुर्ग जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकार एवं अनुरक्षण में है। ये जो दुर्ग आप देख रहे हैं, ये दुर्ग भारतीय अनुसंधान संगठन के अधीन है। और ये सारे कुछ ये देख सकते हैं आप, यहाँ यही भगवान शिव, यहाँ देख सकते हैं इस यहीं पे भगवान शिव जो अपनी ज्वाला को शांत किए थे, ऐसा मान्यता है, पुरानी कथा में लिखा गया है। आगे देख सकते हैं, आगे एक और ऐतिहासिक धरोहर के मैं बताऊंगा जो कि आमेर की दुर्ग है। देख सकते हैं आप आमेर के दुर्ग का, ये देख सकते हैं आपके सामने में जो स्क्रीन पर फिगर हो रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। ध्यान देंगे कि ये पहली सिनेमा है, जो पहली मूवीज है उसमें जो शाहरुख खान का है, उसमें आप देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे ये सीन। इसको बाबरी कहा जाता है, पहले राजस्थान में इसको खुनाया जाता था, खुदवाया जाता था। ये देख सकते हैं आमेर की दुर्ग है। आमेर की दुर्ग कहाँ है कि जिसे आमेर का किला या अंबर का किला नाम से भी जाना जाता है। भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। यह जयपुर नगर का प्रधान पर्यटक आकर्षक है। आमेर का कस्बा मूल रूप से स्थानीय मीनाओं द्वारा बसाया गया था। मीनाओ एक मूल कस्बा है वहाँ के, उसी के द्वारा बसाया गया था, जिस पर कालांतर में कछवाहा राजपूत मान सिंह प्रथम ने राजा राज किया था। वह दुर्ग, वह इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह दुर्ग व महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तुकला शैली के घटकों के लिए भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीरों द्वारा की श्रृंखलाओं एवं पत्थरों के बारे बने रास्ते से भरा ये दुर्ग पहाड़ी के ठीक बीच से बने मावठा सरोवर को देख सकते हैं, मावठा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित यह आकर्षित एवं भव्य दुर्ग पहाड़ी के चार स्तंभों पर बना हुआ है। इसमें से प्रत्येक में विशाल प्रांगण है। इनमें दीवार ए आम अर्थात जन साधारण का प्रांगण इसे कहा जाता है, इसमें दीवार ए आम अर्थात जन साधारण का प्रांगण, दीवार ए खास अर्थात विशिष्ट प्रांगण, शीश महल या जय मंदिर एवं सुख निवास आदि भाग हैं। इसमें देख सकते हैं, इस फिगर में आपको देखने को मिलेंगे, ये देख सकते हैं ये दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है। और अगला जो फैक्ट निकल के आएगा इसमें मैं बताऊंगा आपको कि क्या आप जानते हैं इस तरीके के फैक्ट, आपको पता है तो देख सकते हैं। पांच ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊंगा कि क्या आप जानते हैं कि अभिनेता धर्मेंद्र
की एकमात्र खलनायक भूमिका आई मिलन की बेला में है। अभिनेता जो धर्मेंद्र थे, मात्र एक ही फिल्म में खलनायक का रोल निभाए थे, जो कि फिल्म था आई मिलन की बेला। अगला फैक्ट निकल के आता है, देख सकते हैं आप कि सलीम जावेद, जो सलीम जावेद हैं, ये दो आदमी का नाम है, ये साइड में देख सकते हैं, ये सलीम है और ये जावेद हैं। जावेद अली ने एक साथ 24 फिल्मों में कार्य किया, ये दोनों एक साथ 24 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से 20 फिल्म सफल रही है। अगला पॉइंट निकल के आता है, अगला फैक्ट निकल के आता है कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय चरखा संग्रहालय में 26 फीट ऊंचा चरखा स्थापित है, जो कि चरखा संग्रहालय में 26 फीट सबसे ऊंचा चरखा स्थापित किया गया है। अगला फैक्ट निकल के आता है कि पनडुब्बी कुरसरा को शैवा मुक्त करने के बाद संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया था, जो कि देख सकते हैं आप, ये नीचे फिगर में दिख रहे होंगे आपको, ये कुरसरा पनडुब्बी है, जो कि इसे सेवा मुक्त करने के बाद संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया था, मतलब इस पनडुब्बी के अंदर ही एक संग्रहालय स्थापित कर दिया गया है, देख सकते हैं आप। अगला पॉइंट निकल के आता है कि क्या आप जानते हैं कि गीता महालिका भारतीय शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी के उत्कृष्ट नृत्यांगना थी, एक देख सकते हैं ये नृत्यांगना है उड़ीसा के, देख सकते हैं ये फैक्ट है, शास्त्रीय संगीत उड़ीसा के उत्कृष्ट नृत्यांगना है। ये था लास्ट फैक्ट और इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा, प्रत्येक सप्ताह इस प्रकार का वीडियो आएगा। अगर आप इसमें कुछ मिस्टेक हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा, साथ ही साथ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।